हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। एस एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस का सीरीज में पार्ट ए के लिए हम लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं और ये हमारा सेट 5 है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1000 के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें ये सेट 5 है और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर 500 क्वेश्चन। तो ये अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हम लोगों ने 400 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बिहार एसटीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर था लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोथल इसका आंसर होगा। किस सितार और तबले का जनक माना जाता है, तो तबले और सितार का जनक किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो है इनको माना जाता है सितार और तबले का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है पामीर और इसे तिब्बत का पठार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है, तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी फिलहाल अभी है नरेंद्र मोदी। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस का प्रयुक्त होता है, तो वनस्पति घी होता है उसका निर्माण करने के लिए हाइड्रोजन गैस का हम लोग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। इंग्लिश चैनल जो पार करने वाला पहला भारतीय था वो था मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति 746 वाट की होती है, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है, तो पानी का बूंद जो होता है वो गोल होता है, इसका कारण है कि पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, मानव के द्वारा जो निर्मित बनाया गया प्रथम रेशा है वो कहलाता है नायलॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक के बीच में कितनी दूरी होना चाहिए, तो इसके लिए दूरी जो होता है वो होता है 17 मीटर। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, तो वैक्यूम में प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में वो मैक्सिमम होता है। किस रंग के प्रकाश का भी प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो जो सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है ये होता है बैंगनी कलर में। अगला क्वेश्चन, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों है, तो आकाश में जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं, इसका कारण है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यानी रिफ्रैक्शन होता है, इसके कारण ये टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा और नीला को, लाल हरा और नीला को प्राइमरी कलर कहते हैं। वायुमानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुमानों के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम का गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांगा धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो इसमें टीन और सीसा का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग शरीर के आँख से संबंधित है, ये आँख की बीमारी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था, तो इनका नाम था वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पेसिस बाई नेचुरल सिलेक्शन, ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनेबार पारा और मरकरी का अयस्क माना जाता है। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का यूज करते हैं हम लोग दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए। हाइड्रोजन बम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोजन बम्ब नाभिकीय संलयन पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पैलाग्रा
रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पैलाग्रा रोग जो होता है ये विटामिन B3 के कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के जो यकृत तेल होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य का शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस का जो क्षमता होता है उसका मात्रक होता है डायप्टर, डायप्टर में इसे मापा जाता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? कंप्यूटर की आईसी चिप सिलिकॉन से बनी होती है। पारासेक, पारासेक ये किसकी इकाई है? तो ये है खगोलीय दूरी की इकाई है, इसमें हम लोग खगोलीय दूरी प्लैनेट्स का मेजर करते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का जो डेंसिटी होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होता है 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होता है प्रासर्व तरंगों की आवृत्ति। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में ब्रह्मा जी की एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो एकमात्र मंदिर है पुष्कर में, जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रैबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। राज्यसभा का जो पतेन होता है सभापति कौन होता है? तो इसके सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और इस समय है उपराष्ट्रपति जो कि हमारे राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू जी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो मैडम मैरी क्यूरी, ये है 2 बार नोबेल इनको मिला हुआ है। सार्क का दक्षेस मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का जो मुख्यालय है ये है काठमांडू में, और ये नेपाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। सन 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो इसके कप्तान थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसमें टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? नोबेल पुरस्कार 1901 में शुरू हुआ था। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश की जो मुद्रा है ये है टाका। अगला क्वेश्चन हमारा है, रामायण किसने लिखी? रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भारत के उत्तर प्रदेश में होता है। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा है येन, येन है जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी ये है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव। इन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो 65 वर्षों के उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन है राज्यसभा, और जो लोअर इसको पार्लियामेंट का बोला जाता है, पार्लियामेंट को लोअर बोला जाता है संसद का। पंचतंत्र का लेखन कौन है? पंचतंत्र का लेखन विष्णु शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये पंचशील समझौते से जाना जाता है। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता? तो स्पेन ने जीता था 2010 का फुटबॉल जो विश्व कप हुआ था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ये स्थित है पूना के पास, खडगवासला एक जगह का नाम है, ये है पुणे के पास। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? डबल फॉल्ट शब्द ये प्रयुक्त होता है टेनिस में। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने सजेशन को कमेंट करके बताइएगा अगर कोई भी आपको इसमें डाउट होता है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें। तो क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जनरल के एम करियप्पा, जनरल के एम करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा ये है मणिपुर का लोक नृत्य। भारत के किस राज्य के रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो भारत के केरल में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? कलकत्ता हुगली नदी के किनारे है। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने ये बताया था पौधों में जीवन होता है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया आपका अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुण सूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में टोटल 23 जोड़े या इसको 46 कह सकते हैं गुण सूत्र होते हैं। चंद्रग्रहण कब लगता है? चंद्रग्रहण पूर्णिमा के रात में लगता है, दिन में लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है 80 से 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस ये लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया? प्रथम एशियाई खेल ये आयोजित किया गया था 1951 में और ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहाँ है? तो ये है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय और ये सोनीपत में है, सोनीपत में ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन हैं? तो अनिल कुंबले हैं पहले ये काम करने वाले। अगला क्वेश्चन, सन 2018 में विश्व कप जो फुटबॉल का है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है चीन।
राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? तो दो सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं लोकसभा में। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। ए बी ग्रुप को सर्वग्राही ग्रुप में माना जाता है। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक ये हॉकी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? भारत में जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। एल्जीमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्जीमा रोग शरीर को जो त्वचा होता है उसको प्रभावित करता है। अकाउंट एंड गाइड्स ये संस्था की स्थापक किसने की थी? तो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसकी स्थापना रॉबर्ट बार्डेन पॉवेल ने किया था। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक ये यूज होता है फुटबॉल में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फुटबॉल इसका राइट आंसर होगा। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया जाता है साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये है हमारा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने जीके का जो पार्ट ए था इसका हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने सेट फाइव देखा। सेट फाइव जिसमें हम लोगों ने आज के वीडियो में लगभग 400 से लेकर 500 के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो होगा सेट सिक्स। सेट सिक्स में हम लोग बाकी के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 28 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को एक से दो बार आपको ज़रूर देखना है ताकि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए। और भी वीडियो जो कि आपके प्ले लिस्ट में है आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।